हाय गाइस, माय नेम इज़ नितिश एंड यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में भी हम लोग अपना डीप लर्निंग प्लेलिस्ट कंटिन्यू करेंगे। हमने लास्ट वीडियो में कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क स्टार्ट किया था और आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। आज के वीडियो में हम लोग कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क का जो बायोलॉजिकल कनेक्शन है उसके बारे में पढ़ाई करेंगे। ये मैंने आपको शायद लास्ट वीडियो में भी बताया था कि CNN का जो आर्किटेक्चर होता है वो इंस्पायर्ड होता है हमारे खुद के विजुअल कॉर्टेक्स से, जो हमारे दिमाग का एक हिस्सा है। तो इस वीडियो में मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट के बारे में बताऊंगा जो बहुत पहले कुछ कंप्यूटर साइंटिस्ट लोगों ने किया था। आई डोंट रिमेंबर कंप्यूटर साइंटिस्ट या फिर इन जनरल लेट्स कॉल देम साइंटिस्ट लोगों ने किया था। और दैट एक्सपेरिमेंट वॉज अ लैंडमार्क एक्सपेरिमेंट बिकॉज उसकी फाइंडिंग से ही इवेंचुअली CNN बन पाया। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। नॉट ओनली आपको कुछ बायोलॉजी के लेसन्स मिलेंगे बट आपको कुछ हिस्ट्री के भी लेसन्स मिलेंगे। पूरा देखना एंड तक। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इस पूरे वीडियो को हम लोग तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इन द फर्स्ट पार्ट आई विल शो यू कि ह्यूमन विजुअल कॉर्टेक्स जो होता है वो काम कैसे करता है, पूरा का पूरा जो विजुअल इन्फॉर्मेशन है उसका फ्लो कैसा रहता है हमारे ब्रेन के थ्रू, ठीक है। फिर इन द सेकेंड पार्ट मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट के बारे में बताऊंगा विच वॉज अ लैंडमार्क एक्सपेरिमेंट जिसकी वजह से CNNs बन पाए। एंड इन द थर्ड पार्ट ऑफ द वीडियो मैं आपको बताऊंगा कि उस एक्सपेरिमेंट से क्या फ़ायदा हुआ, क्या उसके फाइंडिंग्स थे और कैसे उससे हमने CNN को बनाया। तीन पार्ट्स में हम लोग पूरा बात करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट पार्ट, ठीक है। सो इन द फर्स्ट पार्ट आई एम गोइंग टू शो यू कि जो आपका विजुअल प्रोसेसिंग होता है दिमाग में, लाइट आंखों में पड़ता है तो हम कैसे देख पाते हैं, ये जो पूरा विजुअल प्रोसेसिंग है पहले मैं वो आपको समझाऊंगा। मैं आपको दिखाऊंगा वो पूरा विजुअल पाथवे जो हमारे दिमाग में होता है, ठीक है। दो तरह के इमेजेस हैं यहाँ पे, दोनों पे हम लोग फोकस करेंगे। देखो होता क्या है कि शुरू में ये हमारी आँख है और ये काइंड ऑफ हमारा रेटिना है। रोशनी यहाँ से हमारे आंखों पे पड़ती है। रेटिना इज़ लाइक अ 2D शीट, ठीक है। इट इज़ लाइक अ 2D शीट जिसके ऊपर रोशनी पड़ती है, गिरती है। वो रोशनी को हम उठा करके हमारा जो दिमाग है वो इस पाइप के थ्रू, ये पाइप है, इसका नाम है ऑप्टिकल नर्व, शायद आपने सुना होगा। इट्स बेसिकली नर्व सेल्स, एक्सॉन बोल सकते हो आप, बंच ऑफ एक्सॉन्स के थ्रू ये इन्फॉर्मेशन इस पार्ट में पहुंचता है। इस पार्ट को बोला जाता है थैलेमस, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है लैटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस, ये थैलेमस के अंदर एक चीज़ होती है। यहाँ पे थोड़ा सा प्री प्रोसेसिंग होता है लाइट के ऊपर और जैसे ही वो प्री प्रोसेसिंग हो जाता है फिर यहाँ से यू कैन सी फिर से ये सेल्स हैं, ठीक है, दीज आर एक्सॉन्स। इनके थ्रू वो इन्फॉर्मेशन फिर से, जो हमारा इलेक्ट्रिक इन्फॉर्मेशन है, मतलब जैसे यहाँ पे लाइट है, ये यहाँ पे ये इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स के फॉर्म में फ्लो कर रहा है और फिर ये इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल जा करके इस पार्ट पे गिरता है, ये जो पार्ट है, और यही आपका विजुअल कॉर्टेक्स है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन आता है ये सबसे पहले इस पार्ट में आके गिरता है जिसको हम बोलते हैं V1। V1 को ही हम प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है। तो पूरा फ्लो समझने की कोशिश करो। लाइट आके रेटिना पे गिरी, रेटिना से वो इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्सेस में कन्वर्ट हुई, ऑप्टिकल नर्व के थ्रू थैलेमस में गई, थैलेमस में थोड़ा सा प्री प्रोसेसिंग हुआ और फिर से वो इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स उठ करके सीधे प्रोजेक्ट होते हैं हमारे V1 के ऊपर, विच इज़ प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स, ठीक है। ये सेम चीज़ का आपका एक एक्चुअल ब्रेन में आप देख सकते हो, दिस इज़ अ कटआउट ऑफ एक्चुअल ब्रेन, ठीक है। यहाँ पर यू कैन सी कि इस जगह पे आँखें हैं, इस जगह पे आँखें हैं और ये हमारा ऑप्टिक नर्व है, कट चुका है वो इस ब्रेन में, मतलब यहाँ से कटा हुआ है। यहाँ तक इन्फॉर्मेशन आ रहा है, इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स आ रहे हैं। यहाँ से ये जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट है ये आपका थैलेमस है जहाँ पे थोड़ा प्री प्रोसेसिंग हो रहा है और फिर ये रहा वो जो काइंड ऑफ एक वाइट कलर का मास है जिससे फिर से वो इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल जा रहे हैं हमारे प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स में। तो ये जो आपका एरिया है ना, ये सारा एरिया, यही आपका विजुअल कॉर्टेक्स है, ठीक है। तो दिस इज़ द एंटायर फ्लो। आप
इसको देख करके हमेशा इमेजिन कर सकते हो कि किस तरीके से लाइट हमारे विजुअल कॉर्टेक्स तक पहुंच रही है। अब अगर आपको यहां तक चीज़ें समझ में आ गई तो अब मैं आपको एक बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट के बारे में बताने वाला हूँ जो दो साइंटिस्ट लोगों ने किया था, हबल एंड वीजल। ठीक है, अराउंड 1960s में इन्होंने एक सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स किए थे ऑन कैट्स एंड मंकीज, जहाँ पे इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक कैट को पकड़ा, उसको एनेस्थीशिया दिया और इस तरह से एनेस्थीशिया दिया कि वो बेहोश भी नहीं है और कम्प्लीटली होश में भी नहीं है, मतलब वो चीज़ें देख सकती है बट उसका बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करेगा बट उसका दिमाग रिस्पॉन्ड करेगा। ठीक है, तो उन्होंने उसके दिमाग में एक इलेक्ट्रॉड डाला, उसके सामने एक स्क्रीन रखी और उसके सामने अलग अलग टाइप से इनपुट दिए और उन्होंने नोट डाउन किया कि ये बिल्ली का रिस्पॉन्स क्या है, कैट का रिस्पॉन्स क्या है। तो उसी एक्सपेरिमेंट के बारे में मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ। सो दिस इज़ द सेटअप ऑफ दैट एक्सपेरिमेंट। यही है वो बेचारी बिल्ली जिसको काइंड ऑफ बेहोश कर दिया गया है और उसके दिमाग में एक इलेक्ट्रॉड डाला गया है। ठीक है, तो द आइडिया इज़ कि उसके दिमाग का ये क्रॉस सेक्शन है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, सो यहीं पर वो इलेक्ट्रोड आकर के टच कर रहा है, ठीक है, अलग अलग सेल्स को। ठीक है, और बिल्ली की आंखों के सामने एक स्क्रीन है जहाँ पर इस तरह के हम लोग शेप्स दिखा रहे हैं, मतलब जो साइंटिस्ट हैं वो लोग शेप्स दिखा रहे हैं इस तरह के एजेस। ठीक है, और जो भी रिस्पॉन्स है इस कैट के दिमाग में उसको रिकॉर्ड किया जा रहा है। ठीक है, तो मैं पहले आपको बताता हूँ कि एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या और फिर मैं कंक्लूजन आपको अलग से बताऊँगा। सो जैसे कि सबसे पहले उन्होंने मान लो इस जगह पे टच किया, सो हम किसी एक पर्टिकुलर सेल का रीडिंग ले रहे हैं। सो जैसे ही उस बिल्ली को हॉरिजॉन्टल एज दिखाया गया तो उसका कुछ रिस्पॉन्स नहीं था। फिर धीरे धीरे जैसे साइंटिस्ट लोगों ने इसको रोटेट करना स्टार्ट किया, अभी भी कोई रिस्पॉन्स नहीं है। जैसे ही थोड़ा एक पर्टिकुलर एंगल से ज़्यादा घूमा तो थोड़ा थोड़ा रिस्पॉन्स आने लगा। यू कैन सी जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है उसका एक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी दिख रहा है, थोड़ा और टिल्ट होने पर थोड़ा और ज़्यादा रिस्पॉन्स आ रहा था। और जैसे ही ये पूरा का पूरा स्ट्रेट वर्टिकल में आ गया तो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्स आ रहा था। फिर जैसे ही वापस टिल्ट करने लगे रिस्पॉन्स घटने लगा, जैसे ही वापस हॉरिजॉन्टल हुआ तो रिस्पॉन्स बिल्कुल चला गया। तो इससे ये समझ में आया कि ये जो पर्टिकुलर सेल है ये इस तरह के एजेस को डिटेक्ट करने में अच्छा है। ठीक है, फिर साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, उन्होंने एक दूसरे सेल को पकड़ा, दूसरे सेल के ऊपर भी सेम काम किया, उन्होंने इस तरीके से रोटेट करना स्टार्ट किया तो दे नोटिस्ड कि कोई दूसरा सेल हॉरिजॉन्टल बार्स एजेस को डिटेक्ट करने में ज़्यादा अच्छा है, वो सिर्फ इसमें सिग्नल दे रहा है बाकियों में सिग्नल नहीं दे रहा है। फिर कोई और सेल है जो स्लैंट में अच्छा सिग्नल दे रहा है, कोई और सेल है जो इसमें अच्छा सिग्नल दे रहा है। सो बेसिकली इस बिल्ली के दिमाग में जो अलग अलग सेल्स हैं, जो इसके विजुअल कॉर्टेक्स में अलग अलग सेल्स हैं, वो अलग अलग टाइप के शेप्स के लिए रिस्पॉन्सिव हैं और बाकी टाइप के शेप्स के लिए दे डू नॉट रिस्पॉन्ड। ठीक है, सो ये सबसे मेन ऑब्जर्वेशन था इस पूरे एक्सपेरिमेंट में। अब मैं आपको बताता हूँ कंक्लूजन क्या निकला इस पूरे एक्सपेरिमेंट का। सो आफ्टर डूइंग अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, हबल और वीजल ने ये निकाला कंक्लूजन कि हमारे विजुअल कॉर्टेक्स में दो तरीके के सेल्स होते हैं। एक को हम बोलते हैं सिंपल सेल और दूसरे को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सेल, और माइक्रोस्कोपिक लेवल पे कुछ ऐसे दिखाई देते हैं, सिंपल सेल ऐसे दिखाई देते हैं, कॉम्प्लेक्स सेल का मुझे इमेज मिला नहीं गूगल पे, बट आई होप दोनों सिमिलर टाइप के ही हैं। सो सिंपल सेल्स को ही उन लोगों ने ओरिएंटेशन सेल भी बोला है और फीचर डिटेक्टर भी बोला है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। सिंपल सेल जो होता है उसका एक स्मॉलर रिसेप्टिव फील्ड होता है, बेसिकली छोटा एरिया प्रोसेस कर सकता है ये किसी इमेज का। वेयर एज जो कॉम्प्लेक्स सेल होता है उसका बिगर या लार्जर रिसेप्टिव फील्ड होता है और ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा एरिया एक इमेज का एक साथ प्रोसेस कर सकता है। अब जो सिंपल सेल होता है वो प्रेफर्ड स्टिमुलाई के प्रिंसिपल पे काम करता है,
प्रेफर्ड स्टिमुलाई। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई एक पर्टिकुलर सिंपल सेल जो होगा वो किसी एक पर्टिकुलर टाइप का ही एज को डिटेक्ट कर सकता है। अगर वो वर्टिकल सेल को डिटेक्ट करेगा, वर्टिकल एज को डिटेक्ट करेगा तो हॉरिजॉन्टल को नहीं करेगा, स्लैंट को नहीं करेगा। कोई दूसरा सिंपल सेल हो सकता है हॉरिजॉन्टल को डिटेक्ट करे बट वर्टिकल को ना करे। सो फॉर एवरी काइंड ऑफ एज कोई ना कोई सिंपल सेल है, बट हर सिंपल सेल किसी एक ही टाइप के एज को डिटेक्ट कर सकता है, इसीलिए इसको बोला जाता है प्रेफर्ड स्टिमुलाई। सो इन शॉर्ट आपका जो सिंपल सेल्स हैं उनका काम होता है एज डिटेक्शन। अब एज डिटेक्शन पे इतना फोकस क्यों किया नेचर ने वो एक बार समझने की कोशिश करना। आप कोई भी इमेज उठा लो, आफ्टर ऑल वो बनता है एजेस से ही, ठीक है। किसी का फेस ही ले लो आप, ठीक है, तो वो बना हुआ तो एजेस से ही है। इवन जो सर्कल है उसको भी आप छोटे छोटे एजेस में ब्रेक डाउन कर सकते हो। तो नेचर का तरीका क्या है विजुअल इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने का, कि सबसे पहले हमारे जो सिंपल सेल्स होते हैं वो सारे के सारे एजेस को डिटेक्ट करते हैं, इसीलिए इनको फीचर डिटेक्टर भी बोला जाता है। और एक बार जब वो ये फीचर्स को डिटेक्ट कर लेते हैं वो अपना इन्फॉर्मेशन पास ऑन करते हैं कॉम्प्लेक्स सेल्स को, और कॉम्प्लेक्स सेल्स का काम होता है थोड़े और हायर फीचर्स डिटेक्ट करना। जैसे कि अगर आपके पास ये इस तरह के एजेस डिटेक्ट हुए तो इससे एक हेक्सागोन बनेगा, तो ये एक हायर फीचर है। तो कॉम्प्लेक्स सेल का काम क्या होता है कि सिंपल सेल ने जो प्रोसेस किया है उसके ऊपर काम करके नेक्स्ट लेवल फीचर डिटेक्शन करना। तो यही दोनों सेल्स से मिल करके हमारा विजुअल कॉर्टेक्स बनता है, और इस तरीके से हमारा ब्रेन विजुअल इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। सो बेसिकली इन पूरे सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट से ये कंक्लूजन निकला कि हमारा विजुअल कॉर्टेक्स में दो तरह के सेल्स हैं, सिंपल सेल्स कॉम्प्लेक्स सेल्स। सिंपल सेल्स का काम होता है बहुत बेसिक लेवल फीचर डिटेक्शन करना, एजेस को डिटेक्ट करना, और फिर उन एजेस से मिल करके कॉम्प्लेक्स सेल्स क्या करते हैं, थोड़े कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स डिटेक्ट करते हैं, और फिर और आगे के जो कॉम्प्लेक्स सेल्स हैं वो उन कॉम्प्लेक्स पैटर्न से और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स डिटेक्ट करते हैं, और इवेंचुअली आप पूरे के पूरे इमेज को प्रोसेस करते हो। तो ये पूरा प्रिंसिपल हमें समझ में आया ये सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स जो हुए हबल और वीजल ने जो एक्सपेरिमेंट्स किए। तो इस प्रिंसिपल को फिर लोगों ने उठा करके कंप्यूटर साइंटिस्ट लोगों ने अपने एक्सपेरिमेंट्स में डाला। सो सबसे अर्ली जो रिजल्ट सामने आए वो था एक मॉडल जिसको बोला जाता है नियो कॉग्निट्रॉन। सो देर वॉज अ जापानीज साइंटिस्ट जिनका नाम है सम फुकुशिमा, आई डोंट रिमेम्बर द फुल नेम। उन्होंने जापानीज कैरेक्टर को जापानीज कैरेक्टर का पैटर्न रिकॉग्निशन करने के लिए ये मॉडल बनाया था नियो कॉग्निट्रॉन, एंड दिस इज काइंड ऑफ इंस्पिरेशन CNN के लिए, ठीक है। तो इसमें दो सेल्स होते थे, सी सेल और एस सेल्स, ठीक है। इन दोनों सेल्स से मिलके बना था, और ये बिल्कुल उसी प्रिंसिपल पे बना था कि जो शुरू वाले लेयर्स हैं वो सिंपल पैटर्न रिकॉग्नाइज करते हैं, सिंपल फीचर्स डिटेक्ट करते हैं लाइक एजेस, और ग्रेजुअली मूविंग फॉरवर्ड आप ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स को डिटेक्ट करने लग जाते हो, ठीक है। द ओनली प्रॉब्लम विद दिस वॉज कि ये उतना ऑप्टिमाइज नहीं था और उतना अच्छा काम नहीं कर पाया। तो उसके बाद अराउंड 90s में यान लिकुन ने अपना एक खुद का CNN आर्किटेक्चर बनाया जिसमें उन्होंने बैक प्रोपोगेशन यूज़ किया और कॉन्वोल्यूशन लेयर यूज़ किया, पूलिंग लेयर यूज़ किया, और दिस वॉज द आर्किटेक्चर। और इसने फिर काइंड ऑफ अर्ली CNN का शुरुआत किया। इन्होंने चेक्स जो बैंक चेक्स होते हैं उसको स्कैन करने के लिए ये मॉडल बनाया था, एंड इट परफॉर्म्ड रियली वेल। और वहीं से फिर CNN के ऊपर सीरियस रिसर्च होना स्टार्ट हुआ, और अराउंड 2012 में एक मॉडल आया AlexNet जिसने ImageNet कॉम्पिटिशन जीता, और फिर उसके बाद से फिर बहुत सारे और CNNs आने लग गए जो हम इस कोर्स में पढ़ेंगे। बट येस, दिस इज़ द एंटायर हिस्ट्री,
एंड दिस इज द बायोलॉजिकल कनेक्शन। आई होप आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा और आपको चीजें समझ में आई। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस। आई होप आपको वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।